Hello everyone, Neha here, your math teacher. In the last video, we have completed chapter three, data handling. Introduction part we have not complete completely. We have only learnt about data handling, representatives or center values we have learnt, and we have learnt about arithmetic mean, average, and range. Now in this video, we will continue about we will continue second central tendency central value that is the mode. What is mode? Okay, so let's start now. Now what is mode? Mean we have learned. Mean amnipana mean was sum of all observation upon number of the values. Yes. range we have learnt the difference between the highest and the lowest value of the observation? Yes. Then now we have to study the mode what is mode the mode of the set of the observation is the observation that occurs the maximum number of time mode kya hota hai mode वो value होती observation की जो number सबसे ज़्यादा बार आकर करता है. that is the mode okay अगर आपका mode निकालना आपको easy होता है अगर आपके observations आपको small observation दे रखे हो जैसे ज़्यादा लार्ज ऑब्जर्वेशन लार्ज वैल्यूज नहीं गिवन होती है तो हम मोड डायरेक्टली निकाल सकते हैं देखिए कैसे ऑप्टेन द मोड ऑफ द गिवन डाटा आपको मोड निकालना है ठीक है तो मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे आपको नंबर दे रखे नंबर ज्यादा लार्ज नहीं है ऑब्जर्वेशन आप इसे अरेंज ईजली कर सकते हैं ठीक है अरेंज करेंगे तो पहले आपका क्या आया थ्री देन फोर देन फोर देन फाइव फोर इज टू टाइम्स देन फोर

आप लिखने के बाद चेक कर लीजिए कि कोई नंबर आपका रह तो नहीं गया नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन आपको क्या पता चला सेवन टाइम और नाइन भी वन टाइम है तो विच नंबर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है फाइव इट मीन मोड इज फाइव आई होप यू अंडरस्टूड मोड कैसे निकालते हैं अगर आपके वैल्यू ज्यादा नहीं होते हैं आप पहले क्या करेंगे उन्हें स्मॉल डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड देन द नंबर विच चक्कर द मोस्ट ऑफ नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा दैट इज द मोड आई होप यू अंडरस्टूड बट ओके सो फट वॉट यू विल डू इफ द डाटा इज लार्ज लेकिन अगर मोड आप कैसे पाइन करोगे अगर आपका डाटा ज्यादा वैल्यू डाटा लार्ज दे रखा है ठीक है इफ द ऑब्जर्वेशन इज लार्ज अगर आपको ऑब्जर्वेशन लार्ज है इन सच केसेस केसिस द डाटा अगर आपका डाटा लार्ज है आप ऑब्जर्वेशन आपका लार्ज है तो आप क्या करेंगे आप उस डाटा को पहले टेपुलेट करेंगे टेपुलर फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा मोड निकालना ओके तो अगर आपका डाटा स्मॉल है तो आप उसे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर आपका डाटा लार्ज है तो पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा टैबलेट फॉर्म में उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे अंडरस्टूड तो लेट्स सी हाउ वी विल चेंज फॉर्म सी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए फॉलोइंग मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ये आपका मार्जिन ऑफ विक्ट्री फुटबॉल मैचेज ऑफ अ लीग ये आपको नंबर्स दे रखे हैं ठीक है नंबर्स दे का मतलब है कि आपको इस पूरी लीग में कि आपके कितने विक्टीज हो वन टू फिर सेकेंड थर्ड टाइम में थ्री टू फाइव एंड सो ऑन ओके अब आपको इसका मोड निकालना है तो आपके लिए डाटा आप देख रहे हैं कि बहुत लार्ज इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले आप लार्ज इन्फॉर्मेशन दे रखी है मोड निकालना है इसलिए यहाँ डाटा वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में डाटा स्मॉल था तो इजिली अरेंज कर लिया था लेकिन यार डाटा आपका लार्ज है तो आप क्या बनाएंगे टेबलर फॉर्म बनाएंगे टेबल टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म 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 कैसे बनती है पहले आप हेडिंग लिखेंगे जिसके बारे में ये आपकी इंफॉर्मेशन ये है मार्जिन ऑफ विक्टी के बारे में तो हमने लिख दिया उसके बाद हम टेली पारी मार्क का कॉलम बनाएंगे टेलीमार्क भी लिख सकते हैं आप फिर नंबर ऑफ मैचेस जो ये मैचेस आप कितने मैचेस प्लेट हुए अब ये देखिए आप फर्स्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री पहले आपके फर्स्ट फर्स्ट विक्ट्री ठीक है फर्स्ट विक्ट्री आपकी नंबर ऑफ मैचेस कितने मैचेस में आए नाइन आप काउंट कर सकते हैं वन कितनी बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मीन्स कितने नाइन वन है आपकी नाइन इट मीन्स आपकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री वन कितनी नंबर ऑफ मैचेस में है नाइन मैचेस में ठीक है अब ऐसी सेकेंड आप इसी यहाँ आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चलेंगे ओके okay? डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं आप असेंडिंग में करना वो इजी रहता है सेकंड देखिए सेकंड मार्जिन ऑफ विक्ट्री आपके कितने मैचेस में फोर्टीन आप काउंट कर सकते हैं कितने टू हैं यहाँ पे टू आपके आप जब काउंट करेंगे तो फोर्टीन आएंगे ओके सेम विथ थ्री सेवन आएंगे मैचेस फ़ोर कितने टाइम्स है फाइव फाइव कितने टाइम्स है थ्री टाइम्स सिक्स कितने टाइम्स है टू टाइम अंडरस्टूड और इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं नंबर मीन्स कितनी बार हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ओके okay, आप इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार आप हम बार की जगह फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना सकते हैं अब यहाँ देखिए अब यहाँ आप टोटल कर दिए फोर्टी टोटल आप चेक कर लिए फोर्टी मैच हो गए फोर्टी हो गए आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि आपकी फोर्टी है कोई नंबर छूट तो नहीं गया आपको पता चल जाएगा अब आपको फाइंड आउट करना है टेली मार्क बनाने मार्क कैसे बनाते हैं आप टेली मार्क हमेशा फ्रीक्वेंसी को देख के बनाते हैं ठीक है ये फ्रिक्वेंसी होता है नंबर अब यहाँ नाइन है तो नाइन कैसे बनेगा देखिए वन टू थ्री फोर हर फोर के बाद फाइव पे कट फाइव के मल्टीपल पे, पे कट फाइव अब सिक्स लेना तो अलग सिक्स सेवन एट नाइन अंडरस्टूड नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फोर्टीन फोर्टीन कैसे बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन ओके हर फाइव वाले पे होगा फोर फाइव थ्री वन टू थ्री इज टू वन टू आई होप यू आपको क्या निकालना था मोड निकालना था. आपने टेबल तो बन गई हमारी अब हमें मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है लुकिंग एट वी कैन क्विकली से है। कैसे कह सकते हैं देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया? आप देख सकते हैं फोर्टीन यहाँ आप देख सकते हैं फोर्टीन सबसे ज्यादा है सबसे हाइएस्ट नंबर है तो सबसे हाइस्ट नंबर फोर्टीन है नंबर ऑफ टाइम तो नंबर ऑफ टाइम कौन सी फिफ्टी सबसे ज्यादा बार है टू

फोर्टीन गोल फोर्टीन गोल से टू मैचेस जीते गए आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके सो वॉट वी हैव लर्न हमने क्या सीखा अगर हमारी वैल्यूज अगर हमारी वैल्यूज मोट में स्मॉल डाटा होगा तो हम तारिकली अरेंज करके जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है दैट विल बी द मोड लेकिन अगर हमारा डाटा लार्ज है तो पहले हम उसे टेपलर फॉर्म में अरेंज करेंगे और टेपलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम जो नंबर नम, आपका नंबर ऑफ व... नंबर सिक्वेंसी देखेंगे जो नंबर सबसे ज्यादा हो वो देखना है आपको कौन सा नंबर सबसे ज्यादा पार्ट है वो उसका मोड होगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड मीन आल्सो आल्सो मोड रेंज आल्सो कम ऑन नेक्स्ट नाउ यू कैन सी टेबल इफ फॉर्मो दे आर इट इज नॉट विजिबल वहाँ विजिबल नहीं हो रही आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना कम ऑन मीडियम अब हम आते हैं मीडियन क्या होता है मीडियन मीडियन द मिड नंबर दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा मीडियन उसे कहते हैं जो वैल्यू बीच में लाए करती है मिडिल वैल्यू ठीक है मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, or लिए मीडियम अरेंज करना होगा अब सपोज करिए फाइंड आउट द मीडियम फॉलोइंग डाटा आपको इस डाटा का मीडियम निकालना है ठीक है पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग में ज्वाइन किया अब यह देखिए पहले सबसे पहले ट्वेल्व वन टू थ्री ट्वेल्व टू थ्री ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व के बाद आपका कौन सा नंबर थर्टीन वन थर्टीन टू थर्टीन है थर्टीन आ गए उसके बाद आपका फोर्टीन वन टू फोर्टीन आ गया फोर्टीन के बाद आपका फोर्टीन के बाद आ गया सिक्सटीन मैं ऊपर लिख देती हूँ इसके बाद मैंने ऊपर लिख दिया सिक्सटीन और सिक्सटी के बाद आया आपका नाइनटीन लिखती हूं हमें सारी चीज़ें ओके अब आप देखिए हमें मीडियन निकालना है मीडियन निकालना तो आप कितने टोटल नंबर आइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है नाइन है तो आपकी बीच मिडिल की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर फोर नंबर यहाँ ले लें हम ठीक है फोर यहां ले लें फोर ले ले, इधर से निकालते हैं फोर इधर से निकालते हैं तो बीच की वैल्यू आपकी बीच की मिडिल वैल्यू आ जाएगी फोर लेफ्ट हैंड साइड में निकाले फोर राइट हैंड साइड में नंबर्स निकाले बीच की आपकी थर्टी रिश्ता मिडिल वैल्यू अंडरस्टूड आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ ठीक है अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सपोज करिए यही सेम क्वेश्चन अगर हमें हम इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं फॉर्मूले से हमारे फॉर्मूले होते हैं सपोज करिए हमारा एन ईवेन है ठीक है एन हमारा क्या है इवन नंबर है एन ईवन नंबर एन का मतलब होता है नंबर ऑब्जर्वेशन जैसे ये था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 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 तो नाइन ऑर्डर नंबर है हमारा लेकिन यही हमारा नंबर अगर इवन होता नहीं तो ऑर्डर अगर हमारे इवन होता सपोज करो हमारे पास सपोज कोई ऑब्जर्वेशन होता थ्री फाइव सेवन नाइन ये आपके नंबर्स काउंट करिए कितने ऑब्जर्वेशन डाटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने फोर फोर के हमारे फोर हमारा है इवन नंबर इवन नंबर है तो आप मीडियम कैसे मीडियम कैसे निकालेंगे इस फॉर्म लेते वन अपॉन टू एन पाई टू टी एच टर्म प्लस एन पाई टू प्लस वन ये आपका फॉर्मूला है ठीक है आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं फॉर्मूले का बहुत ईजी तरीका है पहले आप एन की वैल्यू हमारी कितनी है फोर फोर क्योंकि फोर है 1, 2, 3, 4. अब जब फोर है आप इसे क्या करोगे देखो एन की जगह आपको फोर लगाना है अब यहाँ लगा के देखिए यहाँ एन है एन अपॉइंट टू करना है एन अपॉइंट टू का मतलब है यानी कि फोर फोर अपॉइंट टू ठीक है फोर अपॉइंट टू हो गया प्लस यहाँ फोर अपॉइंट टू प्लस वन प्लस वन हो गया तो ये आपका टू गया तो क्या हुआ गया टू ये टू हो गया और यहाँ टू तो टू प्लस वन कितना हो गया थ्री तो आपका ये क्या हो गया टू प्लस थ्री टू अपॉन थ्री अब यानी कि इन वैल्यू को आपको टू प्लस थ्री को क्या करना है आपको टू प्लस थ्री को डिवाइड करना है आपको इसे डिवाइड करना है टू प्लस थ्री को टू से बाद में वैल्यू निकालने के बाद ये बात वाला वन अपॉन टू को टू से डिवाइड करना है तो योग्य फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू हो गया तो फाइव पॉइंट टू ये आपकी फाइव पॉइंट टू ठीक है आपको फाइव पॉइंट टू आ रहा है ओके फाइव पॉइंट टू आ रहा है और जब आप उसे फाइव पॉइंट टू करेंगे तो आप इससे पहले आप ऐसा करिए आपका यहां पे टर्म था आपके लिए इजी हो जाए टी एच टर्म था ठीक है सेकेंड टर्म यानी कि आप सेकेंड टर्म की वैल्यू लगा ली जो सेकंड टर्म यहां से आप यहां जो क्वेश्चन में असेंडिंग में था वहां देखेंगे फर्स्ट टर्म टी एच पहले आप वैल्यू लगाते हैं वन टू कि सेकंड टर्म हो गया आपका फाइव आपके लिए रहेगा अब ये थर्ड टर्म थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है सेवन यहाँ सेवन लिख दिया अपॉन टू ठीक है तो फाइव प्लस सेवन कितना होता है ट्वेल्व तो ट्वेल्व अपॉन सिक्स इट मीन्स आपका सिक्स आपका मीडियन क्या है सिक्स और आप देख रहे हैं सिक्स कहाँ यहाँ कहीं लाई करेगी बीच में बीच में यहाँ वैल्यू थ्री फाइव की फाइव की फाइव और सेवन के बीच में लाई करेगा सिक्स इट मीन्स आपका मीडियन क्या है सिक्स आई होप यू है पहले आपको टर्म की वैल्यू लगानी है फिर आपको उसे सॉल्व करना है आपके लिए ओके दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन इफ एन इज इवन अगर ये ऑड होता ऑड की वैल्यू अगर आपका ऑड होगा मतलब अगर सपोज करिए थ्री होते नंबर्स एंड की वैल्यू थ्री हो गई थ्री है तो आप ऑड है एंड ऑड थ्री ऑड होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले प्लस करेंगे वन उसके बाद टू से डिवाइड यानी कि पहले आपने थ्री ठीक है थ्री प्लस वन अपॉन फोर क्योंकि आपको टू ठीक है तो यानी कि हो, हो गया फोर अपॉइन टू फोर अपॉन टू हो गया फोर अपॉन टू यानी कि ये टू आपका क्या निकल आया ये एन अपॉन वन प्लस ये की टू आपका आंसर क्या हो गया मीडियन का टू सॉरी यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई यहाँ मीन नहीं है ये मीडियन लिखा हुआ आप इसे करेक्ट कर लेना ये आपका यहाँ पे मीडियन आएगा मीन नहीं आएगा ठीक है मैंने ये आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आप यहाँ मीडियन लिख दीजिएगा यहाँ पे मीडियन ठीक है तो आपका यहाँ वन अपॉइंट यहाँ टी एच टर्म आएगा टी एच टर्म देखिए जब आपने यहाँ पे थ्री आया था तो थ्री प्लस वन अपॉइंट टू कितना हुआ आपका ये हो गया था आपका फोर अपॉइंट टू यानी कि टू टू से टू आएगा तो टू सेकेंड टर्म आपका क्या है फाइव यानी कि आपका यहाँ पे मीडियन क्या है फाइव टी एच याद रखना लास्ट में टी एच टर्म लगाना है आपको ओके okay? टर्म लिखना है आपको टर्म की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखे उन्हीं नंबर्स में से आंसर आएगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ मीडियन ऑल्सो ओके So, in the next video, we will continue exercise 3.1. Here, till here, we have completed the introduction one. Thank you.